नमस्कार दोस्तों, आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हरियाणा राज्य परिवहन के बारे में। चालक, परिचालक और हेल्पर की रिक्वायरमेंट जारी की गई है हरियाणा रोडवेज की तरफ से, ठीक है, तो उसी की बात करेंगे। और इस वीडियो में हम ओनली फॉर हेल्पर के बारे में बात करेंगे, आईटीआई स्टूडेंटों के बारे में बात करेंगे। चलिए हम सीधे आपको ले चलते हैं कि आपके पास हेल्पर के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो जो आईटीआई स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट जारी की गई है, उसमें आपके पास 10वीं होनी चाहिए, 10वीं के साथ साथ आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। और हरियाणा रोडवेज में अप्रेंटिस करने वाले उम्मीदवारों को क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उस एक्सपीरियंस को भी इसके साथ लगाना है। और हिंदी और संस्कृत भाषा की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ये तो है आईटीआई हेल्पर के लिए योग्यता। अब मैं बात करूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर होने चाहिए, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, आपके प्रार्थना पत्र के साथ जो जमा किए जाने वाले डॉक्यूमेंट है उनकी बात कर लेते हैं। सभी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जैसे 10वीं आईटीआई आपकी कास्ट सर्टिफिकेट हो, या फिर सेंटर की कास्ट सर्टिफिकेट हो, या फिर मूल निवास हो हरियाणा का, या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो, तो वो सभी प्रमाण पत्र ले जाने आपको। 10वीं के प्रमाण पत्र में जन्मतिथि वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, परिचालक, आईटीआई प्रमाण पत्र यदि हेल्पर के लिए, ठीक है, अप्रेंटिस प्रमाण पत्र या अनुभव आपके पास है वो लेके जाना है। आपका परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रति लेके जानी है, जाति प्रमाण पत्र ले जाना है, और कोई भी अन्य आपके पास रोडवे से संबंधित कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी हो वो आपको यहाँ पर लेके जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हम बात करेंगे कि जो ये रिक्वायरमेंट जो जारी की गई है, ये ओनली फॉर लगभग कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जारी की गई है, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रेनिंग बेस पे कार्य किया जाएगा। इसमें आपको हरियाणा जो ट्रेनिंग के बाद में आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, एप्लीकेशन दर्ज करनी है। उसके बाद में आपको जैसे जैसे हरियाणा रोडवेज को रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी, उसी प्रकार से आपको ये रिक्वायरमेंट के लिए भर्ती कर लिया जाएगा, ठीक है, बुला लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, किस किस में आपको आईटीआई होल्डर के लिए पोस्ट है, तो भिवानी में हेल्पर की पोस्ट है, भिवानी से लगा सकते हो आप, कैथल से लगा सकते हो, हिसार से लगा सकते हो, चरखी दादरी से लगा सकते हो, दिल्ली से लगा सकते हो, और जो यहाँ पर आप पानीपत से भी, अम्बाला से भी, झज्जर से भी, और झज्जर के बाद में फतेह सागर, फतेहबाद से, गुरुग्राम से, कुरुक्षेत्र से आप लोग हेल्पर के लिए रिक्वायरमेंट यहाँ से जारी की गई है। इनकी जो लास्ट डेट है ये इनके सामने लिखी गई है, लगभग 15 अप्रैल से और 29 अप्रैल तक इनकी लास्ट डेट रखी गई है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन, इसमें प्रत्येक जो भी रोडवेज का डिपार्टमेंट है उनसे संबंधित ये नोटिस है। ये हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं क्या क्या आपको लेके जाना है, कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित आपको फॉर्म भरना है, उसी डिपार्टमेंट से संबंधित सभी डिपार्टमेंटों के नोटिस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।